Hi, good afternoon guys, and I am Akash and welcome to my channel Max Reviews official YouTube channel. And today we are filled up here Sector 5 Salt Lake City. So here we will go to Franklin, which is the chemistry branch of Franklin. Franklin will go because I was in Franklin and I am a student of Franklin. So I have to meet a faculty with Franklin. So I am going to go to one year. So I am so excited for that. So let's go here. There is a little work. After that, we will go to the shot. So see you, stay tuned. और हम लोग अभी निकल गए वो ऑफिस से सेक्टर 5 पे हो तो हम लोग अभी जाएंगे फ्रैंकलिन पे तो फ्रैंकलिन जो है इधर से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे या फिर बस में पहले सैम्बलर जाएंगे उधर से मेट्रो पकड़ के फिर मुझे उतरना है मैदान स्टेशन पे फिर मैदान से थोड़ा पैदल जाके बर्धन मार्केट आता है बर्धन मार्केट क्रॉस करके फिर जाने होगा 5 मिनट फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे फ्रैंकलिन जो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस उधर पे पहुंच जाएंगे और फिर आप लोग को दिखाता है कैसे जाने पड़ता है और फ्रैंकलिन कैसा है जो मेरा फ्रैंकलिन आई मीन फ्रैंकलिन था बहुत मेरा यादें जुड़ा है तो आज जा रहा हूँ मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा पुरानी यादें ताज़ा हो गई पूरा तो चलिए जाकर फ्रैंकलिन का वीडियो दिखाता है जल्दी से और एक चीज़ बताने भूल गए हम लोग अभी फ्रैंकलिन से फिर जाएंगे सोदपुर पे बिगबॉन्ग बोल के एक रेस्टोरेंट है और वही बिगबॉन्ग आज कवर करेंगे उसके पहले फ्रैंकलिन जाएंगे अभी फ्रैंकलिन से फिर सोदपुर जाएंगे बिगबॉन्ग पे तो चलिए चलते हैं और अभी हम लोग को कैब मिल गया फ्रैंकलिन के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी कैमक स्ट्रीट फ्रैंकलिन पे और ये लोग भी जा रहे हैं इसका आज इंटरव्यू था ये सोमो जो पिछले दिन आप लोग को दिखाया पिछले ब्लॉग पे ब्लॉग 6 पे ये लोग से मिला था मैं तो ये भी मेरा टीम पे भी शामिल हो गया तो ये भी जा रहा है मेरे साथ ब्लॉग के लिए और सुमन भी है बाद में दिखा रहा हूँ तो चलिए अभी चलते हैं और हम लोग अभी फिलहाल पहुंच गए मैदान पे मैदान अभी बर्धन मार्केट क्रॉस किए तो अभी जा रहे हैं फ्रैंकलिन तो बर्धन मार्केट से बस 5 मिनट पैदल है तो फ्रैंकलिन जा रहा है अभी फ्रैंकलिन जाके फिर उधर में दिखा दो बाकी का तो फिलहाल हम लोग अभी पहुंच गए फ्रैंकलिन में और ये फ्रैंकलिन के अंदर हम लोग ग्रूमिंग रूम पे हो जो केमिस्ट्री फ्रैंकलिन अगर आप कोई आप लोगों में से कोई फ्रैंकलिन से है केमिस्ट्री तो शायद आप लोगों को पता होगा ये थर्ड फ्लोर का केमिस्ट्री ब्रांच का ग्रूमिंग रूम पे अभी हो तो आया था थोड़ा फैकल्टी से मिल लिया और हो सके तो मैम को भी घुसा दूंगा ब्लॉग में तो चलिए बाकी का शॉर्ट्स दिखाता हूँ कुछ नहीं हुई और फाइनली हम लोग निकल गए फ्रैंकलिन से तो अभी जाऊंगा स्प्लेनेड धर्मतला में क्योंकि मुझे जाना है कि ये जो माइक है इसका जो नॉइस फिल्टर होता है नॉइस फिल्टर कहीं पे खो गया फिर गिर गया शायद तो नॉइस फिल्टर खरीदने जा रहा हूँ स्प्लेनेड उसके बाद जाऊँगा सोदपुर जो बिगबॉन्ग है तो उधर पर जाऊँगा रिव्यू देने के लिए हम लोग सोचे थे कि मेट्रो में जाएंगे स्प्लेनेड लेकिन 5 रुपये भाड़ा बचाने के लिए हम लोग पैदल जा रहे हैं और क्योंकि मैदान से पैदल बहुत ही पास है मैदान से पैदल बस ब्रिज क्रॉस करके इधर के मैदान का ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही स्प्लेनेड आ जाते हैं धर्मतला तो इसलिए पैदल जा रहे हैं हम लोग और जो ब्रिज क्रॉस करना होगा वो ब्रिज भी हम दिखा रहे हैं सामने जो ब्रिज है वही ब्रिज क्रॉस करके जाऊँगा अभी तो चलिए चलते हैं फिलहाल तो हम लोग ब्रिज के नीचे तक पहुँच गए अभी और ये
ये ब्रिज के नीचे हैं हम लोग और ये ब्रिज क्रॉस करते ही अभी पहुंच जाएंगे धर्मतला हम लोग जो कि प्लैनेट है जिसका नाम ये पूरा है प्लैनेट मार्केट ये प्लैनेट मार्केट का आपको आप लोग को पहले मेरा पिछली ब्लॉग पे भी दिखाया जो ब्लॉग 4 या 3 शायद ऐसा याद नहीं आ रहा है मुझे जो मैदान और गार्डन मार्केट लेके किया तो उस ब्लॉग में प्लैनेट पूरे डिटेल्स में दिखाया तो उस ब्लॉग में चेक कर लेना एक बार मेरा प्रोफाइल से मेरा चैनल से और आज तो बस ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट दिखा रहे हैं अभी तो फिलहाल जा रहे हैं कैमरे का स्टोर में क्योंकि मुझे ये नॉइस फिल्टर खरीदना है माइक का इसीलिए बहुत सारा छोटा छोटा मार्केट है इधर में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिजॉय मुखर्जी तो हम लोग के साथ है सर ओनर बिगबॉन्ग का ओनर तो चलिए बात करके देखते हैं गुड इवनिंग एक्चुअली मैं ओनर तो नहीं हूँ एक्चुअली मिस्टर सम्राट मुखर्जी का ओनर है तो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस बिजनेस एक्चुअली तो ये आपका यहाँ का लोकेशन एक बार थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए ये लोकेशन है सोदपुर में किया मोड़ जो रेल स्टेशन से करीब 5-7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है और बस में आएंगे तो यहाँ पे दो बस का रूट भी है यहाँ पे 78/1 और 56 तो किया मोड़ स्टॉपेज अभी आर 9:10 तो उस हिसाब से एकदम किया मोड़ भी है जस्ट अपोजिट टू आंध्रा बैंक ये ब्रांच कितना साल का हुआ अभी देखिए हमने स्टार्ट किया था खड़दा से खड़दा का जो आउटलेट था अपना वो ओपन हुआ था 2017 11th February और ये जो दो साल हुआ है हाँ वो 2.5 साल हो गया अभी और ये सोदपुर का जो ब्रांच है ये लगभग 1 ईयर होने वाला है मीन्स लास्ट पूजा में वे स्टार्टेड दिस इवनिंग एंड कोई फ्यूचर प्लानिंग है इसके बारे में हाँ डेफिनेटली मीन्स नेक्स्ट ईयर्स डेफिनेटली वी हैव अ प्लान फॉर एक्सपेंशन तो आगे जाके मदनग्राम बैरकपुर बेलगड़िया ऐसे सारे जगह पे है तो विजन तो वही है कि नेक्स्ट तीन चार साल में एटलीस्ट 10-12 ब्रांचेस और बढ़ाने का तो कभी केएफसी के साथ टक्कर देने का कोई प्लान है आप लोगों का नहीं देखिए ये बात टक्कर तो बात नहीं है एक ही जैसा चीज हो रहा है तो एक कंपटीटर की तरह एक 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 डिफरेंस बेसिक है कि यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी है अपना जो ब्रांड नेम है बिगबॉन्ग है ये एक्चुअली काफी लोग इसमें थोड़ा मतलब इसको बर्गर बोल के डिफाइन करते हैं ये बर्गर एक्चुअली है नहीं ये अपना खुद का ही एक प्रोडक्ट जो वे आर डेवलप इंडियन वर्सेस
ये वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन और फ्यूजन ये बर्गर और बड़ा पाव का एक फ्यूजन है एक्चुअली द ब्रेड वी हैव यूज्ड इट्स जनरली यूज्ड इन बर्गर तो ये एक फुल ब्रेड होता है जिसमें जो पैटी आता है वो बड़ा पाव के फॉर्म में आता है तो जनरली बर्गर में सॉलिड पैटी यूज होता है तो ये अपना ओन फॉर्मेशन है तो ये सिग्नेचर आइटम है एंड वी आर पायनियर इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो इसलिए इसमें केएफसी से टक्कर देने वाला बात तो है नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट तो किसी का है ही नहीं है ना तो बाकी कुछ चीज़ें हैं तो वो ऑन डिमांड लाना ही पड़ता है क्योंकि इनिशियली प्लान था कि ब्रेड बेस्ड कुछ करने का तो उस हिसाब से जो मिस्टर सम्राट मुखर्जी जो प्लानिंग किए थे कि ब्रेड बेस्ड कुछ स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या हुआ एज पर डिमांड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता गया तो उस हिसाब से अभी लगभग यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मेनूज अभी ऐड हो गया है तो आगे चल के और भी कुछ प्लानिंग्स है अपने जो इसमें इंट्रोड्यूस होगा हाँ मतलब स्नैक्स तो अभी स्टार्टिंग पे है अभी इसके बाद जैसे राइस बॉल है लंच आइटम भी ऐड होगा इसमें डेफिनेटली तो जैसे है अभी राइस वाली हुआ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल जनरेट फ्यू मोर आइटम्स ऑब्वियसली वी हैव प्लानिंग एंड वी आर डूइंग वर्क ऑन इट एक्चुअली तो लगता तो है एक दस डेढ़ साल के अंदर अपना जो प्लानिंग है ये मेन्यू डबल हो जाएगा तो जैसे राइस बॉल आ जाएगा इसमें पिज़्ज़ा का भी प्लानिंग है अपना तो ये भी आ जाएगा और अभी जो हाल ही में जो आइटम्स आपके पास अभी हमारे पास अवेलेबल है इसका ही काफ़ी मार्केट में डिमांड है स्पेशली दिस बिग बॉन्ग क्योंकि इसका जो ब्रेड है वो भी आवर ओन प्रोडक्शन एक्चुअली ब्रेड के मामले में भी हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं अपना ब्रेड किचन में खुद अपना खुद का बेकरी यूनिट है तो जिसमें क्या होता है ये ब्रेड हम खुद ही बना डेवलप करते हैं तो ब्रेड का जो फ्रेशनेस है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल डायरेक्टली बाय अस तो उसमें क्या होता है वो क्वालिटी हम देते हैं क्वालिटी कि डेली फ्रेश ब्रेड यहाँ पे बेक हो रहा है डेली फ्रेश जो केक्स भी में भी है अपना कुछ लिमिटेड ही है दो तीन आइटम ही होता है लेकिन वो भी अपना बेकरी में खुद ही हम बनाते हैं उसको तो इसलिए मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में तो मतलब ये तो अगर आप लोग कभी इंटरनेशनली या नेशनली सोचे तो तब तो आपको बड़ा ब्रांच मतलब जाना पड़ेगा डेफिनेटली जाना पड़ेगा लेकिन तभी तभी दिमाग में वो चीज़ नहीं रहेगा कि केएफसी या मैकडॉनल्ड्स से टक्कर क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना ओन एग्जिस्टेंस हो कि हाँ मतलब केएफसी तो जैसा है कल बिग बॉन्ग की तरह अपना एक अलग ब्रांड नेम है एग्जैक्ट ब्रांड नेम तो वो टक्कर देना बात तो जब तब आप लोग मतलब कैसे ये ब्रेड का अभी तो छोटा यूनिट है तो तब क्या करेंगे तब तो अकेले ये क्या होता है ना एक हर मॉडल का एक मतलब एक सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मतलब ऑपरेशन सेटअप होता है कि दो तीन आउटलेट को लेके एक बेस किचन होता है वहाँ से प्रोडक्शन होता है तो इस हिसाब से जैसा बढ़ता ही आएगा उस हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ता जाएगा अभी यहाँ पे है कल अगर कोई और स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक बेस किचन के हिसाब से ये होगा होम डिलीवरी के लिए क्या क्या ऑप्शन है इधर पे हाँ तो स्विगी और जोमैटो तो है ही ऐप के थ्रू ऑर्डर हो सकता है तो जैसे अपना ऑपरेशन टाइम है दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इन बिटवीन जो ऑर्डर आता है यहाँ से सर्विस में प्लीज़ थोड़ा आप जल्दी दीजिए यही बिग बॉन्ग है जो अपना सिग्नेचर आइटम तो ये है बिग बॉन्ग सिग्नेचर आइटम हम लोग रिव्यू दिखाएंगे ठीक से शॉट भी दिखाएंगे एक हम लोग का व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं इधर में क्या क्या मिलता है स्नैक्स में देखिए इधर पे प्राइमरीली तो ये बिग बॉन्ग है उसके बाद आपके पास जो होगा क्रिस्पी फ्राइड चिकन इसमें तो अभी हम लोग सिर्फ लेग पीस के ऊपर कर रहे हैं कि वो ड्रम स्टिक होता है तो क्रिस्पी फ्राइड चिकन हो जाएगा फिर चिकन कुरकुरे एक आइटम है जो एक्चुअली मार्केट में जो चिकन पॉपकॉर्न एक रेडी प्रोडक्ट है तो हम लोग थोड़ा उसको मॉडिफाई किया मतलब हम लोग पॉपकॉर्न की जगह थोड़ा चिकन का क्वांटिटी जो है ना उसको थोड़ा बड़ा साइज करके उसको चिकन कुरकुरे फॉर्म में कर जो जिसमें एक्चुअली चिकन का क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगा टेस्ट वाइज भी हम लोग थोड़ा डिफरेंट किया तो ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है मतलब आपका आफ्टर बिग बॉन्ग कुरकुरे का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद जो है ये भी अपना सिग्नेचर तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये भी अपने यूनिक प्रोडक्ट है जो स्पाइसी ग्रिल्ड विंग्स है ये एक नॉन फ्राइड प्रोडक्ट है जो सिर्फ ग्रिलर से ग्रिल करके आता है तो स्पाइसी ग्रिल्ड विंग्स है और जो मेन चीज़ है अपना वो है जब हमने स्टार्ट किया था कोलकाता में जो है नॉर्थ कोलकाता में स्पेसिफिकली कटलेट एक आइटम होता है
जो मतलब जो बंगाल का है तो वो अच्छी तरह से जानता है, नॉर्थ कोलकाता का तो ऑब्वियसली। तो ये कटलेट जो है एक टाइम में मार्केट में डोमिनेट किया था, अभी हाल ही में क्या है ना कटलेट का ओवरऑल मार्केट डिमांड भी कम हो गया और उसका जो प्रोडक्शन होता है ना एक टाइम बहुत बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे होता था जहाँ पे कटलेट बहुत फेमस था। तो अभी क्या होगा वो जो क्वालिटी हो सके कुछ रीजन होता जो अभी मार्केट में धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो रहा है, क्वालिटी कटलेट नहीं मिलता। तो हम लोग वो चीज़ ट्राई किए थे कि ये इंटरेस्टेड प्लानिंग अपना था जो स्टार्टिंग में बिगबॉन्ग के साथ ये कटलेट भी अपना था। तो ये चार पांच वैरायटी है अपना, चिकन कटलेट, मटन कटलेट, फिश कटलेट, कॉर्न कटलेट और पनीर कटलेट। तो जो जैसे इसमें जैसे फिश और चिकन में जैसे सॉलिड फिले यूज़ होता है तो उसमें एकदम जैसे चिकन के ऊपर लाइट काम होता है। तो हमने वो कोशिश की है इसमें कि कटलेट में थोड़ा वैरायटी लाए इसमें, तो वो भी पॉपुलर है यहाँ पर। एक चिकन पिंगमंग होता है वो फ्राइड बॉल्स होता है जो चार बॉल्स आता है एक स्टिक में, तो ये पिंगमंग होता है, ये एक आइटम है चिकन पिंगमंग। फिर अजवाइन फिश एक आइटम है जो एक्चुअली अजवाइन का जो फ्लेवर होता है फिश के साथ वो अजवाइन फ्लेवर आता है, ये सारे वेजी यूज होता है ये। तो अजवाइन फिश एक आइटम है, इसके अलावा आपका फ्रेंच फ्राइज जो रेगुलर मिलता है फ्रेंच फ्राइज होगा, कुछ रिफ्रेशर्स का रेंज है, चार रिफ्रेशर्स होता है, वर्जिन मोहितो, ब्लू हवाईन, मसाला कोक एंड फ्रेश लाइन्स ऑर्डर, तो ये भी होता है। तो मतलब अभी अभी तक यही रेंज है, इसके बाद और भी दो तीन चार प्रोडक्ट ऐड होता जाएगा, राइस बॉल भी अपना प्लानिंग में है वो आ जाएगा। आप लोगों में मॉकटेल्स भी अलाउड है? हाँ हाँ डेफिनेटली मॉकटेल्स हम रिफ्रेशर्स नाम से लाते हैं, तो ये चार वैरायटी अभी तो है। तो मॉकटेल्स में क्या क्या है? ब्लू हवाईन है, वर्जिन मोहितो है और फ्रेश लाइम सोडा और इसके साथ मसाला को, अभी चार वैरायटी। ओके तो लेट्स ट्राई सम। हाँ श्योर, तो अभी खाने का रिव्यू करते हैं देखते खा के। और ये जो आप लोग अगर आएंगे तो ज़रूर ज़रूर एक बार विजिट करना बिगबॉन्ग पे। और ये जो है बिगबॉन्ग का स्पेशल डिश जो है पूरा रेस्टोरेंट का, ये स्पेशल डिश मैं आप लोग को दिखा भी दे रहा हूँ एक बार शॉट, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो हाँ ये बिगबॉन्ग स्पेशल जो होता है यहाँ का, तो अभी हम लोग इसका टेस्ट करके देखते हैं। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इसका बहुत यूनिक एक टेस्ट है जो ये फ्यूजन है, इंडियन और वेस्टर्न का फ्यूजन बोल सकते हैं आप लोग। ये जो बड़ा पाव और बर्गर का एकदम फ्यूजन होता है, इसके साथ म्यूनिस और एक म्यूनिस भी है, सॉस भी है, थोड़ा क्रिस्पी है, पूरा क्रिस्पी है, थोड़ा स्मोकी है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें से, तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो इसका रिकमेंड करते हैं, आप लोग ज़रूर से बिगबॉन्ग को एक बार आके विजिट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अगर आएंगे तो बिगबॉन्ग स्पेशल जो है मेन डिश, तो ये ज़रूर ट्राई करने का। और एक बिगबॉन्ग का चिकन पॉप्स आता है वो भी एक बार ट्राई करना, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ का। आप लोग आएंगे तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, चलिए हम लोग खा के देखते हैं। तो पूरा खा लेता। So thanks for watching this video. If you like it then please like, comment, share and subscribe to our channel. तो ये video दोनों के channel पर आएगा, तो आप ज़रूर से दोनों का channel visit करना। अगर आ नहीं सकते तो आप लोग इधर से होम डिलीवरी अवेलेबल है इधर से, तो आप लोग स्विगी या जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग खोलेंगे जब स्विगी या जोमेटो ऐप, तो उसके अंदर आ जाएगा बिगबॉन्ग, सर्च करेंगे बिगबॉन्ग रेस्टोरेंट आ जाएंगे, तो उधर से आप लोग डायरेक्ट होम डिलीवरी कर सकते हैं, अन्य डायरेक्ट मजा ले सकते हैं बिगबॉन्ग स्पेशल के। तो अभी जो खाना का रिव्यू दिखा है, खाना तो बहुत ही बढ़िया था, इधर का जो स्पेशल डिश है बिगबॉन्ग बोल के जो एक बर्गर है बिगबॉन्ग, तो आप लोग आएंगे तो ज़रूर एक बार विजिट करके बिगबॉन्ग ज़रा टेस्ट करके बोलना है कमेंट सेक्शन में कैसा है। तो ओनर से मिल तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं और फिर अपकमिंग ब्लॉग में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड इफ यू लाइक तो टू सब्सक्राइब एंड टू कमेंट, और अगर कुछ गलत हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो अपकमिंग ब्लॉग में वो सुधार सकते हैं हम लोग। तो चलिए इधर ही ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।